नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में विटारा ब्रेजा के बारे में कॉम्बिनेशन मीटर की दो छोटी सेटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जानते हैं कि एक बटन इधर इधर लेफ्ट में है, एक बटन इधर राइट में है। ये राइट वाले को जो है ना, ये पुश भी होता है और ये ट्विस्ट भी होता है, तो इसी की मैं बात कर रहा हूं। आप गाड़ी में सीधा बैठिए, इग्निशन स्विच ऑन कर लीजिए और इसको ट्विस्ट कर दीजिए बस। तो देखिए, जैसे आप इसको ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पे कलर लिख के आ जाता है मीटर में। उसके बाद इसको ट्विस्ट नहीं, पुश करना है, तो अलग अलग कलर आप देखिए मीटर में चेंज होते रहेंगे इंडिकेशन। ये देखिए लाल, ब्लू, तो जो भी कलर आपको चाहिए वहीं पे इसको छोड़ दीजिए, ये कलर आपका इसमें सेट हो जाएगा। इसी में दूसरी सेटिंग आपको बता रहा हूं, उसके लिए आपको पहले पार्किंग लाइट को जो है ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए, पार्किंग लाइट ऑन करने के बाद आपको इस लाइट को, सॉरी इस बटन को केवल जो है ट्विस्ट करना है। देखिए, क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया मैंने, तो ये नीचे बार देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहा हूं, तो देखिए ये डाउन होते जा रहे हैं। इससे कॉम्बिनेशन मीटर के डिस्प्ले की जो इंटेंसिटी है, इल्यूमिनेशन है, और केवल यही नहीं, देखिए स्टीरियो का भी, एसी पैनल का भी, और ये जो स्विचेस दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें भी जो लाइट जलती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तेजी, मतलब रात को आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल है, देखिए पार्किंग लाइट को ऑन करना है और केवल इसको ट्विस्ट करना है। पार्किंग को ऑफ है आपकी और आपने इसको ट्विस्ट किया तो कलर का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको पुश करेंगे तो अलग अलग कलर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ये दो सेटिंग शेयर की आपके साथ विटारा ब्रेजा गाड़ी के बारे में। धन्यवाद।